नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यात्री बस में महिला के साथ जबरन बलात्कार। मध्य प्रदेश के धार से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर यात्री बस में एक महिला से दुष्कर्म हुआ है। पूरा मामला मनावर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि एक निजी यात्री बस के ड्राइवर कंडक्टर ने बस में बैठी महिला के साथ बलात्कार किया। जानकारी के अनुसार इस दौरान बस में मौजूद अन्य लोगों के द्वारा महिला को गंतव्य पर उतर आने का कारण पूछा तो ड्राइवर कंडक्टर बहाना बनाते रहे। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए मनावर थाना प्रभारी नीरज बाईथरे ने बताया कि एक महिला यात्री लोंगसरी जाने के लिए बस में बैठी थी। इस दौरान बस ड्राइवर कंडक्टर व क्लीनर ने उक्त महिला को लोंगसरी गाँव नहीं उतारा। लोंगसरी गाँव निकल जाने के बाद कहकर गंदवानी उतारने की बात कही। गंदवानी में नहीं उतारते हुए उसे मनावर ले गए, जहां मनावर क्षेत्र के गुलाटी रोड और बालीपुर रोड के बीच सुनसान जगह ले जाकर बस को रोककर कंडक्टर ने महिला से दुष्कर्म किया। वहीं ड्राइवर और क्लीनर ने भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर राहगीर और पास में बकरियां चराने वाले बस के पास पहुंचे, जहां महिला ने आपबीती उन लोगों को सुनाई। पीड़ित महिला की बात सुन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन क्लीनर और दुष्कर्म करने वाला कंडक्टर भागने में सफल रहे। वहीं घटना की जानकारी लोगों ने मनावर थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और बस को जब्त कर थाने ले गई। महिला के बयान पर पुलिस बस कंडक्टर और क्लीनर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।